हमने इनिशिएट किया था साइंस से, फिर हमने साइंस से आगे बात हम लेके गए साइंटिफिक मेथड पे, फिर हम एक्सपेरिमेंट पे लेके गए, और फिर एक्सपेरिमेंट से हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन तक पहुंचे, और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के फिर हमने बेसिक उसका जो प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़े, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को डिस्कस किया। एक था उसमें से सीआरडी, दूसरा था आरसीबीडी, और तीसरा था एलएसडी। ठीक हो गया ना? तो इनको तीनों का हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। हमने कहा था कि जो सीआरडी है उसके अंदर हम जो जितनी भी वेरिएशंस हैं उन तमाम वेरिएशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओवरऑल वेरिएशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पहली जेनेटिक वेरिएशन, और उसके अलावा बाकी जितनी भी वेरिएशन होगी उसको हम एरर के अंदर लेके जाएंगे। अब एरर के अंदर इन्वायरमेंट भी आ सकता है, ह्यूमन एरर भी हो सकती है, वहां पे लोकेशन का इशू भी हो सकता है, उसमें कुछ भी पॉसिबल है, राइट? तो जेनेटिक के अलावा बाकी सारा कुछ हम किस में ले जाते हैं? एरर में ले जाते हैं। अब हमने कहा था कि ये जो डिजाइन हैं, चूंकि इनके अंदर हम एक वक्त में दो से ज्यादा वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं, तो अब चूंकि हमने इनको कंपेयर भी करना है इन तमाम वेरिएबल्स को, तो अब कंपैरिजन के मेथड्स कौन से हैं? तो वो हमने फिर कंपैरिजन के मेथड्स एक क्लास में हमने किए थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था टी टेस्ट, जी टेस्ट, जो कि दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, और फिर हमने फाइनली डिस्कस किया था एफ टेस्ट। ऐसे ही है ना? ठीक जी सर, है। एफ टेस्ट जो है वो उसका एक और नाम भी है, वो क्या है? इनोवा एनोवा है। एनोवा किस चीज का एब्रिविएशन है? नहीं किस यार, चीज का एब्रिविएशन है? किसको बताया? किसी एक स्टूडेंट को, किसी को भी नहीं पता? सर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अभी एनालिसिस ऑफ गूगल पे वेरिएंस। देखा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। ठीक हो गया ना? तो जो एफ जी सर, टेस्ट है उसका दूसरा नाम है एनोवा, यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ऑल राइट, चलेंगे। अब हम जरा एक दफा इसको देखते हैं। ये हमने पहला टॉपिक किया था, उसके बाद हमने प्रैक्टिकल के अंदर यूज ऑफ सॉफ्टवेयर्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिक्स किया था, उसकी हमने थ्योरी भी पढ़ ली थी, बेसिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबिलिटी। कौन बता सकता है आप में से? क्या पूछा आपने? बेसिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबिलिटी के मुतल्लिक कुछ अगर आप लिखना चाहें तो कौन सा स्टूडेंट कोई 5-6 पॉइंट बता सकता है मुझे? ये हमने किया था एक क्लास में। अच्छा बेटा, एक मैं आपको ना छोटी सी बात बता दूं कि ये जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर जो आपका थ्योरी का पार्ट है और जो आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है वो ऑलमोस्ट इंटरमिंगल्ड है। ठीक है ना? वही चीजें उनके थ्योरेटिकली हम थ्योरी में पढ़ेंगे, और उनके आगे एनालिसिस जो है वो हम प्रैक्टिकल के अंदर करेंगे। तो मैंने जब हमने यूज ऑफ सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक किया था, जिसमें मैंने बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बात की थी, तो उसमें पहले मैंने आपको इनका मुतालिक बताया था कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। फिर मैंने बताया था रेंज क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है? जी तो सर, यही बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। ये जो 6 या 7 चीजें जो हमने की थी, ये क्या थी? यही बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। तो इनकी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन भी लिखवाई थी साथ में, ऐसे ही है ना? फार्मूला भी बताया था। जी सर, ठीक है ना? इस रात तो में ये एक्चुअली वही टॉपिक है, यानी कि इसको आपके डेफिनेशन जो है वो आपको थ्योरी में याद होनी चाहिए,
और प्रैक्टिकल के अंदर इनको हमने कैसे जो है ना हमने इनको सॉल्व करना है वो आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक हो गया जी? जी सर। ओके जी, चले जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है कंपैरिजन टेस्ट। अब कंपैरिजन टेस्ट का मतलब क्या है कि डिफरेंट वेरिएबल्स को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से टेस्ट हम लगा सकते हैं, किसको पता है? सर एप टेस्ट लगाएंगे। उसके अलावा टी टेस्ट है, बी टेस्ट है और एफ टेस्ट है। मेनली तीन टेस्ट हैं, एफ टेस्ट सॉरी टी टेस्ट और जी टेस्ट जो है। जी बोले सर, वो 309 लिखा हुआ है, वही मैं देख रहा था। कंपैरिजन टेस्ट की हम बात कर रहे थे, तो कौन कौन से हैं कंपैरिजन टेस्ट? टी टेस्ट हम कब लगाते हैं? जब टू वेरिएबल्स हो और हमारे पास वेरिएबल्स के सैंपल्स मौजूद हो। जी सर। और जी टेस्ट कब लगाया जाता है? टू पॉपुलेशन हो, टू वेरिएबल्स हो। जब दो पॉपुलेशन हो। पॉपुलेशन की डेफिनेशन कोई बताएगा आप में से? सिमिलर स्पीशीज लिविंग एट द सेम लोकेलिटी। Very good. A group of individuals belonging to same species and present at same location at same time. So that is a population. अब उस population में से a small number of individuals which represent the whole population is called sample. ठीक है ना? तो ये वो है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। अच्छा, एक कंपैरिजन टेस्ट जो है जिसका नाम है एफ टेस्ट, वो हमने अब तक नहीं किया। उसको मैं थोड़ा सा आपको उसकी उसका स्ट्रक्चर बताता हूँ कि एनोवा जो है वो होता कैसे है। इसको हम डिटेल के अंदर जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे, प्रैक्टिकल की जब हमारी क्लास होगी कल होगी, तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह इसको एनोवा को एक कुछ वैल्यूज लेके इसको हम सॉल्व भी करेंगे। आज मैं इसके जस्ट आपको पार्ट्स बताता हूँ कि इसके हिस्से कौन कौन से हैं। ठीक है जी? ओके जी। सो एनोवा मैंने आपको बताया, जैसे एनोवा क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एफ टेस्ट का ही दूसरा नाम एनोवा है। एफ टेस्ट जो है, एफ टेस्ट हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास दो से ज्यादा वेरिएबल्स हों। हमारे पास प्लांट साइंसेस के अंदर जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उन तमाम एक्सपेरिमेंट्स में हमेशा दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, तीन वैरायटीज हैं, चार वैरायटीज हैं, पांच वैरायटीज हैं, या 20 वैरायटीज हैं, या हमने तीन या चार फर्टिलाइजर लेवल्स को टेस्ट करना है। ठीक है ना? तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो एनोवा यूज करते हैं या एफ टेस्ट यूज करते हैं। अब सर रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा कि जो हमारे प्लांट साइंसेज के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन तमाम के अंदर दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक जो है, ऐसा कभी नहीं होता कि किसी एक्सपेरिमेंट में सिर्फ दो ही पॉपुलेशन हो। हमेशा दो से ज्यादा होती हैं। और हर वैरायटी जो है उसको हम डिफरेंट पॉपुलेशन बोलते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट है दूसरे इंडिविजुअल से। ठीक है ना? ऑल्दो दे कैन इंटरब्रीड, लेकिन वो सिमिलर लुकिंग प्लांट्स नहीं है। ठीक हो गया ना? सो जो डिफरेंट वैरायटीज हैं वो डिफरेंट पॉपुलेशन होंगी और वो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। अब अगर तीन पॉपुलेशन हैं तो कितने वेरिएबल्स हुए? तीन वेरिएबल्स हुए। ठीक हो गया ना? जी सर। सो इसी तरीके से जब हम
इसको एनोवा को, जब हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, अब ये दो से ज्यादा हो गए तो अब एफ टेस्ट लगेगा। एफ टेस्ट के लिए जो हम स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा, इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, इसके लिए टेबल बनेगा। एनोवा का क्या होता है, एनोवा का हमेशा टेबल होता है, ठीक हो गया। अब वो टेबल किस तरह का होता है, वो टेबल मैं आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ कि उस टेबल के अंदर होगा क्या क्या। ये हम यहाँ पे एंड के ऊपर बना लेते हैं, यहां से मैं टेबल ही ड्रा करता हूं। चलो जितना इजाफी होगा वो हम बाद में रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले जो पहली लाइन है इसको जो है हम मर्ज कर लेते हैं, ठीक है जी। यहां पे हम लिख लेते हैं एनोवा यानी के एफ टेस्ट, ठीक है जी। ओके अच्छा जी, ये आ गया, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, एनोवा का जो टेबल होगा उसके अंदर सबसे पहला जो कॉलम है उसको हम लिखते हैं एस एस। एस एस मीन्स सोर्स ऑफ वेरियंस। पहला कॉलम जो होगा वो क्या होगा, सोर्स ऑफ एस एस नहीं, एस ओ वी, सोर्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है जी। अब वेरिएंस का आपको सबको पता क्या होता है, वेरिएशन का मतलब क्या है कि जो भी किसी दो प्लांट में डिसिमिलैरिटीज हैं या डिफरेंसेस हैं उनको हम वेरिएंस बोलते हैं या वेरिएबिलिटी बोलते हैं। सो सोर्स ऑफ वेरिएशन या सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम वो कंपोनेंट लिखेंगे जिनकी वजह से वेरिएशन पॉसिबल है। अब अगर आप याद करें थोड़ा सा, तो मैंने आपको बताया था सीआरडी के अंदर हमारे पास टोटल वेरिएशंस की जो उसके जो सोर्सेज हैं वो तीन हैं। कौन कौन से हैं भला, फेनोटाइप, जीनोटाइप, एनवायरनमेंट। वेरी गुड, एक है जीनोटाइप और दूसरी थी एनवायरमेंट या एरर बोलते हैं उसको हम, और फाइनली क्या थी, फिनोटाइप। फिनोटाइप को हम टोटल वेरिएशन भी बोलते हैं। फिनोटाइप को क्या बोलते हैं, टोटल। फिनोटाइप की जो वेरिएशन है वो क्या है, एक्चुअली टोटल वेरिएशन है ना जी, ठीक है ना, ऐसे है ना। ओके, सो एनोवा का जो पहला कॉलम है उसके अंदर क्या होगा, सोर्स ऑफ वेरिएशन लिखेंगे। अब ये तो सीआरडी के अंदर था, आरसीबीडी के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, एनवायरमेंट सबमिट कर देगा एक वो ब्लॉक में, आपने कहा था एनवायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा, एवरीथिंग होगी बाकी। वेरी गुड, सो ये था सीआरडी के लिए एसओवी था। ऐसे ही एक जो है एसओवी वो होगा आरसीबीडी के लिए। अभी हम दो ही डिस्कस करेंगे, बाद में इनको डिटेल में करते जाएंगे, अभी जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि सीआरडी का जो एसओवी है वो कैसा होगा और आरसीबीडी का एसओवी कैसा होगा। अब सीआरडी के एसओवी में मैंने आपको बताया था कि एक फिनोटिपिक होगी, एक जीनोटिपिक होगी और एक एरर होगी, और आरसीबीडी में मैंने आपको बताया था कि एक जीनोटिपिक होगी, एक फिनोटिपिक होगी, और ये जो एरर है इसमें से हम इसको कुछ मजीद एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो क्या होगा, वो मैंने आपको बताया था कि चूंकि आरसीबीडी के अंदर हम ब्लॉक्स बनाते हैं, याद है ना जी सर, ठीक है।
इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सीआरडी क्या होता है, आरसीबीडी क्या होता है, एलएसडी क्या होता है, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं इसको आपको एनोवा बनाना सिखा रहा हूँ। सो वो है ब्लॉक। अब ब्लॉक का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल एक फील्ड है, उसको हमने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जो उस चारों में से पहला जो हिस्सा है वो ब्लॉक वन है, और जो दूसरा हिस्सा है वो ब्लॉक टू है, जो तीसरा हिस्सा है वो ब्लॉक थ्री है, और जो चौथा हिस्सा है वो ब्लॉक फोर है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फील्ड है जी, तो इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये है ब्लॉक वन, ये है ब्लॉक टू, ये है ब्लॉक थ्री, और ये है ब्लॉक फोर। अब ब्लॉक वन का क्या मतलब है कि इस तमाम एरिया में, इस तमाम हिस्से में जो इन्वायरमेंट है वो सेम होगा। ब्लॉक का क्या मतलब है कि जिस एरिया को हम सेम ब्लॉक बोलेंगे, उसका मतलब है कि उस तमाम ब्लॉक के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि अब इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, इन्वायरमेंट कितनी तरह का होता है, किसको पता है? उसके दो फैक्टर है, एक बायोटिक है और एक एबायोटिक है। बायोटिक फैक्टर में क्या क्या चीजें आती है भाई? All living things. For example, उसमें birds हैं, उसमें insect हैं, उसमें pest हैं, उसमें viruses, bacteria, fungi, ये microorganisms हैं, ठीक है जी। उसमें humans हैं, उसमें plants हैं, उसमें other plants हैं, उसमें weeds हैं। तो ये सारी क्या होंगी? ये सारे के सारे biotic factor हैं। ऐसे ही abiotic factor है जिसमें rainfall है, विंड वेलोसिटी है, टेम्परेचर है, सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल टाइप है, सॉइल पोरोसिटी है, अपना सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक हो गया ना, सॉइल केमिस्ट्री है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एबायोटिक फैक्टर है। तो बी वन का क्या मतलब है कि बी वन का मतलब है कि जिस एरिए को हमने बी वन कहा है वहां पे ये सारे फैक्टर सेम होंगे। यानी कि वहां पे टेम्परेचर सारे एरिया में सेम होगा, फर्टिलिटी सेम होगी, नाइट्रोजन वहां पे सेम होगी, फर्टिलाइजर बाकी तमाम सेम होंगे, ऐसे ही पानी वहां पे सेम होगा, सॉइल टाइप सेम होगी। अब ये जिस जगह को बी टू कहा है इसमें भी सब कुछ सेम होगा, लेकिन बी वन से कुछ डिफरेंट हो सकता है। जब हम किसी एरिया को दो ब्लॉक में डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब एक्चुअली क्या है कि ब्लॉक वन हम उस एरिया को कहते हैं जहां पे ये सारी चीजें सेम है, सॉइल सेम है। अब जहां पे बी टू होगा तो उसका मतलब है कि वहां पे सॉइल सेम है। इसलिए जब भी हम किसी जगह पे ब्लॉक्स हम बनाएंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो पहले हम उस एरिए की सॉइल को और वाटर को टेस्ट करेंगे। तो उससे जहां जहां जिस जगह की हमें सॉइल सेम लगेगी, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट से लेकर 5 फीट तक सॉइल सेम है, उसके बाद आगे सॉइल खराब जाना वो डिफरेंट होना शुरू हो जाती है। तो अब जो पहले 5 फीट है वो हमारा ब्लॉक वन होगा, उसके बाद अगले जो 5 फीट है वो ब्लॉक टू होगा, अगले 5 फीट ब्लॉक थ्री होगा। ब्लॉक की समझ आ गई है? तो आरसीबीडी के अंदर जो हम एरर में से कुछ पार्ट निकाल लेंगे वेरिएशन का, वो हम ब्लॉक की शक्ल में ब्लॉक में इन्वर्ट कर देंगे। अब जब यहाँ पे ब्लॉक के कुछ वेरिएशन ब्लॉक में चली गई, तो जो एरर की वेरिएशन है, जो यहाँ पे वेरिएशन थी वो कम हो जाएगी। ऐसा ही हुआ ना? समझाइए ना। अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एरर थी वही एरर यहाँ पे थी, लेकिन इस एरर में क्या हुआ कि इसमें से ये जो ब्लॉक है ये कम हो गया। अब जब इस एरर में से ये ब्लॉक कम हो गया, तो ये एरर कम हो गई कंपेरेटिव टू ये वाली जो एरर थी।
इसका मतलब ये है कि जो सी आर डी के अंदर जो एरर होगी वो हमेशा लार्जर होगी, और जो आर सी बी डी में एरर होगी वो हमेशा कम होगी, अगर हमारे पास सेम एक्सपेरिमेंट है और हमने दोनों डिजाइन में लगाया है। तो यहाँ से एक और बात भी पता चलती है, वो क्या है कि जो ब्लॉकिंग है या जो हम ब्लॉक्स बनाते हैं वो हम एरर को कम करने के लिए बनाते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये तो था पहला कॉलम एनोवा का, जो कि था एसओवी। एसओवी का मतलब क्या है? सोर्स ऑफ वेरिएशन। अब नेक्स्ट कॉलम जो है बल्कि वो आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक हो गया जी। सेकंड कॉलम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम आपको क्या लगता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का वर्ड देख के आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब हो सकता है सर? आजादी। आजादी वो तो फ्रीडम का मतलब है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब? डिग्री का क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होगा कि किस लिमिट तक वो फ्री है कोई चीज। वेरी नाइस, वेरी गुड। डिग्री का मतलब होता है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी या उसके पास लिमिट क्या होगी। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब एक्चुअली ये है कि हमारे पास कोई भी वर्क करने के लिए कहां तक हमारे पास आजादी मौजूद है। अब ये इसको मैं यहां से ऐसे समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 जीनोटाइप हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया, उसके अंदर हमारे पास कितनी जीनोटाइप्स हैं? 5 हैं। ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास 5 जीनोटाइप हो और उसको हमने फील्ड में शो करना हो तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं या कितनी हमारे पास फ्रीडम है कि इन तमाम जीनोटाइप्स को हम अनबायस होके फील्ड में लगा सकें। रिपीट करता हूं, एक एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर हमारे पास 5 जीनोटाइप हैं, ठीक है। अब इन 5 जीनोटाइप को हमने 5 डिफरेंट जगह पे ग्रो करना है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जगह हैं। चले यहां पर लिख देता हूं, प्लॉट 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्लॉट हैं, 5 ही जीनोटाइप हैं। तो अब जब हम प्लॉट 1 के अंदर सोइंग करेंगे तो हमारे पास फ्रीडम होगी। फ्रीडम किस चीज की होगी कि हम चूज कर सकें इन 5 वैरायटीज में से कोई एक, कोई भी लगा सकते हैं। तो पहले में पॉसिबिलिटी चांसेस होंगे ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने नंबर 4 लगा दी। अब जब हम प्लॉट नंबर 2 में जाएंगे तो अब हमारे पास फ्रीडम होगी। जी सर, होगी ना, क्योंकि अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर लगा, बाकी 4 बचे हैं उसमें से होगी। अब जब हम थर्ड में जाएंगे तो कितनी जीनोटाइप बची हुई है? 3 बची हुई है। तो अभी भी चांसेस हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर 2 लगा दी, यहाँ पे हमने नंबर 3 लगा दी। अब ये जो आखिरी प्लॉट है इसके अंदर हमारे पास फ्रीडम है चूज करने की? नहीं है ना। इसके अंदर अब हम मजबूर हैं कि हमने नंबर 1 जो हमारे पास एक ही वैरायटी बची हुई है या एक ही जीनोटाइप है वही लगानी है। ये जो 4 हैं इन 4 तक हमारे पास क्या थी? आजादी थी, फ्रीडम थी। समझ आ रही है ना। तो 5वें में नहीं थी, इसलिए ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हम देखते हैं पहले फॉर एग्जाम्पल जीनोटाइप्स कितनी थी।
जीनोटाइप अगर पांच थी तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक जीनोटाइप ऐसी होगी जिसको फील्ड में लगाने के लिए हमारे पास किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं होगी, हमें वो उसको एक खास जगह पे ही लगाना पड़ेगा, हम उसको किसी और जगह पे नहीं लगा सकेंगे। तो इसलिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमेशा होगी टोटल माइनस वन। अगर जीनोटाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है तो वो जीनोटाइप माइनस वन हो जाएगा, अगर ब्लॉक की निकालनी है तो वो ब्लॉक माइनस वन हो जाएगा, टोटल या फिनोटाइप की निकालनी है तो वो फिनोटाइप माइनस वन हो जाएगा। समझ आ गई ना बात की? तो इसी तरीके से एरर की भी निकलेगी, उसमें से भी एक माइनस हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हमारे पास चूज करने की कितनी फैसिलिटी मौजूद है, कितनी हमारे पास लिमिट मौजूद है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये सेकंड कॉलम होगा एनोवा का। समझ आ गया भाई? क्लियर है? आगे चलें? यस सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम के किसी स्टूडेंट को डिग्री ऑफ फ्रीडम की समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता भाई। ओके चलें जी, थर्ड कॉलम की तरफ चलते हैं। थर्ड कॉलम इज एस एस या सम ऑफ स्क्वायर। एस एस क्या है? सम ऑफ स्क्वायर। समझ आ गया भाई? ओके, एनोवा का जो थर्ड कॉलम है वो क्या है? सम ऑफ स्क्वायर। अब सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अभी डिटेल में बाद में बताता हूं। नेक्स्ट कॉलम जो है वो है एम एस। एम एस का मतलब है मीन सम ऑफ स्क्वायर। ठीक हो गया जी? एम एस के बाद जो फाइनल कॉलम है वो होगा एफ कैलकुलेटेड वैल्यू। समझा गया? तो जो एनोवा है उसके टोटल जो टेबल एनोवा को कैलकुलेट करने के लिए बनेगा उसके अंदर जो है टोटल हमारे पास पांच कॉलम होंगे, या उसके अंदर हमारे पास पांच जो चीजें हमने निकालनी है। नंबर वन सोर्स ऑफ वेरिएशंस, नंबर टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर थ्री सम ऑफ स्क्वायर, नंबर फोर मीन सम ऑफ स्क्वायर, या मीन स्क्वायर भी बोलते हैं इसको, मीन सम ऑफ स्क्वायर भी बोलते हैं और मीन स्क्वायर भी बोलते हैं, और लास्ट वन क्या है वो है एफ कैलकुलेटेड। अब इसके अंदर से जो सोर्स ऑफ वेरिएशंस हैं वो हम वो रिटर्न वो जो है ना वेरिएबल्स के नाम होंगे जो भी वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद हैं, और उसके बाद बाकी जो चारों वैल्यूज हैं ये हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखेंगे। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सीआरडी के अंदर डिफरेंट है, आरसीबीडी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इंशाल्लाह फिर हम जब अभी अगली क्लास जो है प्रैक्टिकल की होगी उसके अंदर बताएंगे। इसके अंदर भी मैंने आपको इसके पार्ट्स बता दिए। यहाँ तक क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो बेटा। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके अच्छा जी, एफ टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ये जो एक सेकंड में एक मैसेज आया है, ये क्वेश्चन है कि सर लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल सकती है, तो इनको मैं बताता चलूं दोबारा से मैं रिपीट कर दूं। बेटा जो आप हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो सारे के सारे मैं रिकॉर्ड करता हूं, और रिकॉर्ड करने के बाद उनको मैंने जो आपको बताया हुआ है यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाते हैं, वहां से आप लोग सुकून से डाउनलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रिकॉर्डिंग तो सुकून से मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। ओके ये तो था इसका जो एनोवा का हम टेबल बनाते हैं।
एक इसके अंदर और कॉलम होता है, वो वैल्यू वो होती है एफ टेबल वैल्यू। एफ टेबल वैल्यू एक्चुअली वो वैल्यू है जो कि हम, जो कि ऑलरेडी एक हमारे पास टेबल मौजूद होगा, उस टेबल से हम देखते हैं। ये एफ टेबल वैल्यू एक्चुअली कंपैरिजन के लिए यूज होती है कैलकुलेटेड वैल्यू का। जो टेबल वैल्यू है वो कहाँ पे यूज होती है? कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होती है, और ये चेक करने के लिए यूज होती है कि क्या ये जितनी जीनोटाइप्स या जितने वेरिएबल्स थे वो आपस में सेम है या वो डिफरेंट है। अगर वो आपस में डिफरेंट होंगे तो जो एफ कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज्यादा होगी। समझ आ गई है ना? अगर वेरिएबल्स आपस में डिफरेंट होंगे तो उसका मतलब वेरिएशन ज्यादा होगी, ठीक है ना? तो एनोवा के अंदर हम चूंकि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं, इसलिए जो एफ कैलकुलेटेड वैल्यू है वो एक्चुअली वेरिएंस की रिप्रेजेंटेशन है या वेरिएशन की रिप्रेजेंटेशन है। तो इसलिए अगर किसी भी जीनोटाइप या अगर फॉर एग्जाम्पल दो या तीन को हमने कंपेयर किया और वो आपस में डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है उनके दरमियान वेरिएशन मौजूद है। और अगर वेरिएशन मौजूद है तो जो एफ कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या होगी? ज्यादा आएगी। ठीक हो गया ना? समझ आ गई? ओके जी। सो ये टेबल बनाने से पहले हमें एक और वैल्यू भी निकालनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं सी एफ। सी एफ मतलब करेक्शन फैक्टर। सी एफ का क्या मतलब है? करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर एक वो वैल्यू है जो यूज होगी इस सारे टेबल्स के अंदर, जो भी हमारे पास कोई आप कह सकते हैं करेक्शन करने के लिए यूज होती है हमेशा। तो ये फार्मूले का हिस्सा है, एक्चुअली एनोवा के फार्मूले का हिस्सा है। अभी मैंने आपको इन तमाम वैल्यूज में से किसी का भी फार्मूला नहीं बताया। वो फार्मूला जब हम अगली क्लास में प्रैक्टिकली इसको एनालिसिस करेंगे किसी एक टॉपिक का, तो उस वक्त हम इसको इनके फार्मूलाज पढ़ेंगे। अभी मैं जस्ट इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये होते क्या है। ठीक हो गया ना? एनोवा टेबल कैसा होता है उसकी आपको समझ आ गई होगी। उसके पांच उसके अंदर कॉलम बनते हैं, एसओवी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन स्क्वायर, एफ कैलकुलेटेड और एफ टेबल वैल्यू। और एक उसके अंदर और वैल्यू हम निकालते हैं जिसका नाम है करेक्शन फैक्टर। तो ये सारी वैल्यूज निकाल के ये टोटल एनोवा होता है। अब ये एनोवा जो है वो सी आर डी के लिए डिफरेंट होगा, आर सी बी डी के लिए डिफरेंट होगा, एल एस डी के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है ना? तो हम जब इनिशिएट करेंगे तो हम बिल्कुल सिंपल वाले से करेंगे, आर सी बी डी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जस्ट इसमें से सिर्फ सिर्फ जो सी आर डी है उसका एनोवा करेंगे। ठीक हो गया जी? यहां तक आपको एनोवा क्या होता है उसकी समझ आ गई होगी, उसके अंदर कौन से कॉलम्स हैं उसकी समझ आ गई होगी, और उसके उन तमाम कॉलम्स को उसकी डेप्थ, उसको आप कह लें कि वन लाइन में उसको उसकी एक्सप्लेनेशन आपको आ गई होगी। सो यहाँ तक कोई बात आपको समझ ना आई हो तो वो आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा, आप लोग साथ में ऐसा करें, इसी ग्रुप के अंदर चैट के अंदर काइंडली अपनी अपनी अटेंडेंस जो है वो लगा के भेज दें। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है बेटा। सर, अब आप मतलब के ना दूसरे आप क्लासेस ले रहे हैं और बाकी टीचर्स 8 बजे के हिसाब से ले रहे हैं, तो सर इस तरह कल की क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी हमारी? बात नहीं, 8 बजे के हिसाब से बाकी टीचर्स ले रहे हैं। जी सर, कैंपस टाइमिंग तो 9 बजे हो गई है सर, लेकिन वो बस 8 बजे के हिसाब से। चलें, मैं आज कंफर्म कर लेता हूं। मैं बेटा आज डिस्कस कर लेता हूँ बाकी टीचर्स के साथ, ठीक है? तो डिस्कस करके मैं आपसे इंशाल्लाह फिर आज ही आप लोगों को बता दूंगा कि हम जो है इसको हम अगली क्लास के अंदर कैसे लेंगे।
अच्छा ये थोड़ी देर के अंदर मीटिंग खत्म हो जाएगी, जो ही मीटिंग खत्म हो तो आप लोगों ने मैं इसको मीटिंग दोबारा से स्टार्ट कर लूंगा, आप लोगों ने फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। अगर कोई क्वेश्चन है तो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। कोई स्टूडेंट जो क्वेश्चन करना चाहता है अगली मीटिंग में स्टार्ट करूंगा वो अपना ज्वाइन कर सकता है, जो नहीं करना चाहता उसके लिए कोई लाजमी नहीं है। अटेंडेंस काइंडली सारे स्टूडेंट से भी लगा दें। बेटा आपकी आवाज कट गई, मैं अगली मीटिंग स्टार्ट करता हूँ और तो उसके अंदर आप ज्वाइन करें, और ज्वाइन करके फिर आप लोग मुझे क्वेश्चन जो पूछना है वो पूछ लीजिएगा।